तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीज के बारे में सोची हैं? दिमाग में तो बहुत चीजें प्लान थी कि करना है कुछ लाइफ में करना है जी। बट होता है ना कि इतने ज्यादा सेविंग नहीं थी मेरे पास। अच्छा, पैसे ना होने की वजह से नहीं कुछ हो पा रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी अर्निंग को सेविंग करके उसके बाद इसका इन्वेंशन किया। दोनों की दोनों गर्ल्स हैं और इतना मेहनत करके अपने जौनपुर में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कोई गर्ल इतना आगे मतलब सोच के और अपने मनी को सेविंग करके कुछ की। हेलो गाइस, स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। और अभी हम फिलहाल जौनपुर में हैं और रात के बज रहे हैं 7:30। और अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं जो कि टीडी कॉलेज के सामने, दोस्ती अड्डा यहाँ का नाम है। और जिन्होंने खोला है हम उनसे आपको परिचय कराएंगे और उनसे बात कराते हैं। और वो एक महिला है, एक नहीं दो महिला हैं जो कि इसको ओपन की हैं। और उनसे बात करते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ओपन किया और कितने संघर्षों के साथ इसको चला रही हैं और क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो आइए मिलाते हैं उनसे। तो यहाँ पे हैं ये फैनी जी। तो आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। थैंक यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीज के बारे में सोची हैं? दिमाग में तो बहुत चीजें प्लान थी कि करना है कुछ लाइफ में करना है जी। बट होता है ना कि इतने ज्यादा सेविंग नहीं थी मेरे पास। अच्छा, पैसे ना होने की वजह से नहीं कुछ हो पा रहा था। तो पैसा जो है के तब आपने इसको खोला है? जी, जो भी अभी जॉब में थे हम, तो वहाँ से जो भी अर्निंग हुई, जो भी मेरी सैलरी आती थी उसको सेव करके 17 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन करा था। अच्छा, मतलब आपने अपनी अर्निंग को सेव किया, उसके बाद इसको ओपन किया। जी। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी अर्निंग को सेविंग करके उसके बाद इसका इन्वेंशन किया है। काफी सारे लोग ये होते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा ये भी नहीं अर्न कर रही होंगी, है ना? जी। तो इतने में से इन्होंने थोड़ा थोड़ा बचा के और ये दोस्ती अड्डा को स्टार्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे एक टपरी टाइप का नहीं होता है, मतलब आने वाले समय में तो इसको और भी ग्रोथ करेंगी। अभी तो ओपन की है तो धीरे धीरे इसको बढ़ा रही हैं। और आप अपना पहले यहाँ का लोकेशन बताइए कि है कहाँ पे। ये दोस्ती अड्डा जो है वो टीडी गर्ल्स कॉलेज है, टीडी महिला कॉलेज है, उसके जस्ट बगल में है। अच्छा, तो जौनपुर में जैसे से जब आप आएंगे तो ये महिला कॉलेज है टीडी, इसके बगल में ही, जस्ट एकदम बगल में ही खोली है। और टीडी कॉलेज यहाँ से बहुत होगा तो सामने गेट है और यहाँ पे है ये जी। तो और कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या क्या यहाँ पे आप दे रही हैं और क्या क्या आने वाले टाइम में क्या चेंजेस लाएंगी आप? एक्चुअली अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा मेन्यू है, स्पेशली अभी हमारा जो फोकस है वो चाय पे है। चाय और हम यहाँ पे हांडी चाय दे रहे हैं, जो कि जौनपुर में मुझे नहीं लगता अभी तक लोग दे रहे हैं हांडी में बना के चाय। और इसके अलावा स्नैक्स भी है, लाइक आपका पानी पूरी है, सैंडविच है, ब्रेड पकौड़ा है और मैगी है, पास्ता है। और आने वाले समय में हम इसको थोड़ा सा इन्हांस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, लाइक कोल्ड कॉफी हो जाएगा, बर्गर हो जाएगा, पिज्जा हो जाएगा, एक होता है ना मिनी कैफे टाइप का, इसका लुक हमें रखना है। हाँ, तो चाहेंगे जैसे रेंटेड पे लेके अंदर एकदम बड़ा सा खोलेंगे और हम और तुम आएंगे कट करने जी, ओपनिंग करेंगे। बिल्कुल जरूर जरूर। तो काफी सारी चीजें जो है वो ये खोलना चाह रही है यहाँ पे और बढ़ाने चाह रही है। जरूरत है आप लोग की प्यार और सपोर्ट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आइए एक बार ट्राई करिए। ये है इनका दोस्ती अड्डा जो भी है, और काफी अंदर स्पेस है, चार लोग खड़े होके अंदर काम करते हैं। और ये पानी पूरी भी लगा हुआ है और नॉर्मली ये वो, और ये हम लोगों के लिए मैगी वैगी बनवाई है। और ये रही रजनी जी। हाय। ये दोनों जन ओनर है, दोनों जन मिलके इन्होंने किया है। अच्छा, किस हिसाब से आप लोगों ने मतलब इस चीज के बारे में सोचा? और जैसे एक होता नहीं है कि आपने बताया कि अपनी मनी को सेविंग कर करके हमने खोला, तो आप लोग कितनी कठिनाइयां हुई हैं? क्योंकि आप लोग दोनों की दोनों गर्ल्स हैं और इतना मेहनत करके अपने जौनपुर में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कोई गर्ल इतना आगे मतलब सोच के और अपने मनी को सेविंग करके कुछ की है। तो आप लोग घर वाले ने कुछ बोला नहीं? नहीं नहीं, घर वाले तो बहुत ही सपोर्टिव है। बिना उनके सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम, क्योंकि चाय की शॉप या चाय के स्टॉल कह लें, खोलना किसी लड़की के लिए बहुत, आप समझ रहे हैं ना, कि बहुत प्रॉब्लम भरा होता है, लोग क्या कहेंगे। और प्लस जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो टीचिंग का बैकग्राउंड रहा है। अच्छा, टीचिंग का। जी, मेरे फादर हैं, सॉरी नाम नहीं लेंगे और तो लोग स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जो कॉलेज के लोग थे, जो और लोग भी थे, मतलब कुछ कमेंट्स करते थे, कुछ बात बोलते थे, जिससे मतलब बुरा लगता था पापा लोग को, मम्मी लोगों को। बट उनके बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि कोई नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम आगे बढ़ो और इसको भी आगे आगे तक ले जाओ। सारी चीजें तो जैसे कि यहाँ पे कॉलेज है, टीडी कॉलेज है और टीडी महिला कॉलेज है, तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज इतना बड़ा है,
तो यहाँ पे जैसे गांव के लड़के आते हैं तो वो कमेंट पास करते रहते हैं, तो इन सब चीजों से इनको गुजरना पड़ता है। और इसके साथ साथ आप अभी अपना जो जॉब है उसको भी कंटिन्यू की है? हाँ, मेरा जॉब कंटिन्यू है अभी। मतलब अपना जो भी बिजनेस है उसके साथ साथ ये जॉब भी कंटिन्यू कर रही है, तो काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है। तो हाईएस्ट आपकी क्या प्राइस है, किस चीज का प्राइस सबसे ज्यादा है और किस चीज का? हमारे यहाँ बन जो है वो बेसिकली बहुत ही फेमस है चाय के साथ। अच्छा, स्टार्टिंग कितने रुपए से है यहाँ पे चाय? 10 रुपए से। तो गाइज पीछे लिखा हुआ 10 रुपए, मतलब कुछ नहीं होता आज के जमाने में। ये हमारा मेन्यू मसाला टी। अच्छा, ये मेन्यू है इनका, देख लीजिए आप लोग। मुझे तो हाईएस्ट इसमें खाली 45 रुपीज दिख रहा है। बन मक्खन 45 रुपीज लास्ट। ये भी टी है, अगर आप सिर्फ बन खाएंगे तो 35 है। अच्छा, 35 है। तो गाइज काफी ज्यादा चीज हम लोग को फेस करना पड़ता है, आप लोग भी फेस करते हैं, लेकिन एक बार जो होता नहीं है कि कुछ चीज स्टार्ट करेंगे तो काफी सारे लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये लड़कियां हैं जो कि इतना स्टार्ट की हैं, और लड़कों को तो क्या कहें हम, वो तो खुद कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार, कोई अगर हाँ कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करिए, उसको कमेंट तो पास मारते हो। नहीं, मैं किसी को सीटी नहीं मारता, मैं आप लोगों को एक मोटिवेट छेड़ा था आवा आवा। अब वो तो मैं आपको मनोरंजन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो सके थोड़ा बहुत। अपना सड़ुए नहीं चिपकी है, दूसरे का थन छेड़ा जी। मैं आप लोगों को बस मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग छेड़ो, मुझे बोलने दो ना थोड़ा सा। बिल्कुल भी नहीं, मैं छेड़ू, आप छेड़ना, आप छेड़वाना, मिलना नहीं। हाँ, तो गाइज काफी सारी चीजें हैं जो बोलना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने संघर्षों की कहानी पूरा सुन लिया होगा, छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता। आप लोग इनको बस प्यार देना, आना एक बार चाय इनका ट्राई करना, मजा ना आए तो कमेंट करके बताना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इनकी भी चाय, 10 रुपए आपके जेब में ना ऐसे ही गिर जाते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा। और कितना जने तो गुटका पुकार खाई ग्रो अचर पचर थूक नावत हो, तो एक बार पी के आप लोग देखिए, कुछ आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगे, फिर से विजिट करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।